नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के 102 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया हुई पूरी। बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 10 दिसंबर को होगा जारी। बिहार के इस स्टेशन में मैजिक चाय मिलना हुआ शुरू। मंगोलिया से आए प्रतिनिधियों की मेहमान नवाजी पड़ी महंगी। शिक्षक अभ्यर्थी वापस ले सकते हैं अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के 102 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया हुई पूरी। बिहार के कई जिलों में पिछले दिनों बालू खनन पर रोक लगने के बाद से ही बालू की किल्लत महसूस हो रही है, मगर अब जल्द ही यह कमी दूर हो जाने वाली है, क्योंकि राजधानी पटना समेत 8 जिलों के 102 बालू घाटों पर जल्द ही खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि इसके लिए 102 घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद अगले एक हफ्ते में बालू खनन का कार्य शुरू हो जाने की बात कही जा रही है। नीलामी में सफल हुए कारोबारियों को 4 दिन के अंदर अपनी राशि जमा करनी होगी। इसके तहत लगाई गई बोली का 50% GST के साथ जमा करना होगा। इसके बाद बंदोबस्त धारियों को वर्क ऑर्डर दिया जाएगा और उसके बाद बालू खनन का काम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही पटना के साथ सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय में खनन का काम शुरू होगा। बिहार में मंगोलिया से आए प्रतिनिधियों की मेहमान नवाजी पड़ी महंगी। कोरोना संक्रमण के दौर में मंगोलिया से बिहार के बोधगया पहुंचे शिष्टमंडल की मेहमान नवाजी करना प्रशासन को भारी पड़ गया। इन 23 सदस्यों वाली शिष्टमंडल में से एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं RT-PCR रिपोर्ट के पॉजिटिव आते ही दिल्ली से लेकर बिहार तक खड़कम समझ गया है, क्योंकि बुधवार को यह शिष्टमंडल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिला था। गया प्रशासन ने बताया कि पॉजिटिव सदस्य को मगध मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सैंपल को जांच के लिए बाहर भी भेजा जाएगा, ताकि ओमिक्रॉन को लेकर पुख्ता जानकारी मिल सके। फिलहाल मरीज को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। बताते चले कि गया एयरपोर्ट पर इनकी एंटीजन और RT-PCR जांच की गई थी, लेकिन इन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया था, जबकि भारत सरकार का साफ आदेश है कि हर विदेशी को देश आने पर क्वारंटीन किया जाएगा, जो कि एक बड़ी लापरवाही के तौर पर अब सामने आया है। बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 10 दिसंबर को होगा जारी। BPSSC के द्वारा ली जाने वाली बिहार दारोगा और सार्जेंट के कुल 2213 पदों पर परीक्षा इसी महीने होगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत अब 10 दिसंबर को SI की प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन कर लिया है, वे 6 दिनों के बाद यानी कि 10 दिसंबर को BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, जिसके बाद वे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बताते चले कि इस बहाली के माध्यम से बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 1998 और सार्जेंट के 215 पदों पर भर्ती होगी। तो वहीं इसके लिए प्रीलिम्स परीक्षा 26 दिसंबर को होने वाली है। बिहार में ताजा मामले में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित। महीनों बाद बिहार में ताजा आंकड़ों में एक भी मरीज कोरोना से संक्रमित नहीं मिले हैं, जो कि थोड़ी राहत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान कुल मिलाकर 191,597 सैंपलों की जांच हुई है, जिसके आधार पर एक भी कोरोना के पेशेंट किसी भी जिले से नहीं मिले हैं। तो वहीं इस दौरान एक मरीज ठीक होकर अपने घर को भी लौट गए, जिसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या घटकर 29 हो गई है। वहीं बात अगर रिकवरी दर की करें तो यह 98.33% हो गया है। शपथ पत्र देकर शिक्षक अभ्यर्थी वापस ले सकते हैं अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट। बिहार में इस महीने ही पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है, वे अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने अब तक चयनित हो चुके अभ्यर्थियों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट सौंप देने का निर्देश दिया है, जिसके तहत जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन प्राथमिक शिक्षक के रूप में हो चुका है, वह शपथ पत्र देकर अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपको बताते चले कि इन अभ्यर्थियों की लगातार मांग थी कि प्रमाण पत्र जमा होने के कारण उन्हें दूसरे कई कामों में समस्या आ रही थी। बताते चले कि प्राथमिक शिक्षक पद की काउंसलिंग के वक्त चयनित अभ्यर्थियों के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और TET रिजल्ट आदि का मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया गया था। हालांकि अब विभाग ने अभ्यर्थियों की मांग पर इन्हें लौटने का निर्देश दे दिया है। नए वेरिएंट के खतरे से पहले DMCH हुआ तैयार। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी है, तो वहीं भारत में भी इसके 2 मरीज मिलने के बाद से सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। इस बीच अपने राज्य में स्थित DMCH किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरभंगा के DMCH में नया ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी। यह प्लांट PM केयर्स फंड से बना है। इसके बन जाने से अब मरीजों तक ऑक्सीजन
सीधे प्लांट से पाइपलाइन के जरिए पहुंचेगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल प्रशासन अलर्ट है और वेरिएंट को लेकर सावधानी भी बढ़ती जा रही है। विदेश से पटना लौटे 560 लोगों में से 85 लोगों की हो सकी है जांच। देश भर में नए वेरिएंट के खतरे से बचने के लिए सबसे जरूरी यह है कि विदेश से आए लोगों की जांच होनी चाहिए, मगर हाल के दिनों में विदेश से पटना लौटे 560 लोगों में से सिर्फ 85 लोगों को ही ट्रेस किया जा सका है, तो वहीं बाकी के यात्रियों के बारे में कहीं से भी सही सूचना नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की बात करें तो पटना में गुरुवार की रात तक कुल 560 लोग विदेश यात्रा से वापस आए हैं, जिसकी सूची लगभग 5 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई। महज 85 लोगों को ही ट्रेस किया जा चुका है। अब तक 55 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 20 रिपोर्ट का अभी इंतजार है। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार में इन दिनों मौसम में बदलाव की वजह से ठंड बढ़ रही है, लेकिन अलग अलग शहरों के तापमान में अंतर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 5 दिसंबर तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और कुछ जगहों पर कोहरे और धुंध का असर रहेगा। इस बीच बारिश के भी आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवा का प्रवाह समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक देखा जा रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 5 दिसंबर प्रदेश के पूर्वी भाग के कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण कई शहरों में खराब स्तर पर बन चुका है और इसमें पिछले महीने से कोई नया बदलाव नहीं हो सका है। बिहार के इस स्टेशन में मैजिक चाय मिलना हुआ शुरू। आमतौर पर चाय का मैजिक लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर चढ़ा होता है कि जैसे ही उनके जीवन का यह एक अहम हिस्सा हो। यही कारण है कि घर हो या बाहर, लोग कहीं भी चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। लेकिन अब चाय की चुस्की लेने के साथ ही उसके कप को भी खाया जा सकेगा और इस मैजिक टी की शुरुआत बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन से शुरू कर दी गई है। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर स्टेशन में IRCTC ने मैजिक टी की शुरुआत की है। इसकी खासियत यह है कि यह एक खास तरीके के कप में मिलेगी, जिसकी डिजाइन तो मिट्टी के कुल्हर जैसी है, लेकिन ये बिस्किट की बनी हुई है। इसमें चाय देने पर चाय पीने के साथ ही कप को फेंकने के बजाय खा सकेंगे। हालांकि इसकी कीमत 25 रुपए रखी गई है। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि रेलवे स्टेशनों में फैलने वाले कचरे से छुटकारा मिलेगा। मुजफ्फरपुर के आंखफोड़वा कांड में डॉक्टरों पर आरोपों से भड़का IMA। बिहार के मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में शिविर लगाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद अब तक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ी और इस मामले में 4 आरोपी डॉक्टरों पर प्राथमिकी खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दर्ज कराई गई, लेकिन IMA इस कांड के लिए आरोपी डॉक्टरों को नहीं बल्कि संक्रमण को मान रहा है। मामले में IMA की बिहार शाखा के अध्यक्ष ने इस कांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, लेकिन डॉक्टरों के बारे में भी चिंता जताते हुए कहा कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर साहू और अस्पताल के अन्य नेत्र चिकित्सक पूरी तरह से योग्य हैं और उन्हें अनगिनत ऑपरेशन करने का अनुभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों की आंखें लापरवाही के कारण नहीं बल्कि संक्रमण के कारण गई है। वहीं FIR करवाने के मामले में कहा कि ये प्राथमिकी प्रशासन व जन आक्रोश से बचने की हड़बड़ी में कराई गई है। तेजस्वी यादव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने खोला बड़ा राज। बिहार में AIMIM का प्रसार करने में जुटे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब जाकर एक राज खोला है। ओवैसी ने कहा है कि पिछले साल चुनाव के दौरान अगर RJD उनकी एक बात मान लेती तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होते। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि आज तेजस्वी विपक्ष में नहीं बैठ रहे होते अगर उनकी पार्टी ओवैसी की एक सलाह मान लेती। इस बारे में उन्होंने राजद से बात करने की भी कोशिश की थी। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ओवैसी की पार्टी ने अपने दम पर भाग्य आजमाया था और 5 सीटें फतह कर ली थी। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को दी वार्निंग। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने वाले कयासों के बीच एक बार फिर से वे नीतीश सरकार पर बरसते नजर आए। बीते दिन सुपौल जिले के कोर्ट में पेशी होने के लिए आए पप्पू यादव मीडिया के सामने किसानों का मुद्दा उठाया और सरकार द्वारा चर्चा न किए जाने पर अपनी नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा कि सदन का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और समाप्त भी हो गया, लेकिन किसानों के मुद्दे और गरीबी पर चर्चा नहीं हुई। पूरा सदन शराब मंत्री DMSP पर खत्म हो गया। किसानों की समस्या पर एक बार भी चर्चा नहीं हुई, केवल इधर उधर की बात कर असल मुद्दों को भटका गया। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार के किसानों को कई परेशानियां हैं, अगर सरकार जल्द से जल्द किसानों की खास की समस्या को दूर नहीं करती है तो पार्टी व्यापक तौर पर आंदोलन करेगी। शराबबंदी पर राजद नेता ने दिया विवादित बयान। बीते दिन बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के दौरान चल रही चर्चा के बीच शराबबंदी को लेकर राजद नेता ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब लोग गरीबी की पीड़ा को भूलने के लिए शराब पीते हैं। राजद नेता रामचंद्र पूर्वे ने साथ ही कहा कि एलिट वर्ग इसके बगैर रह नहीं सकता है और इसके लिए ही ये माफिया शराब की अवैध बिक्री करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लागू करके सरकार ने सांप को छेड़ दिया है, पर अब उसे छोड़ना नहीं बल्कि बिहार के मूल
मूल से समाप्त कर देना है। तो वहीं इस बात पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उनसे कहा कि गरीबी की पीड़ा की हालत में कोई पीता है तो क्या उसकी पीड़ा कम हो जाती है या बढ़ती है। साथ ही उन्हें सोच बदलने की सलाह देते हुए कहा कि शराब के सेवन से सिर्फ नुकसान ही होता है। कंगना रनौत ने कृषि कानून के पक्ष में रहने की कही बात। देशभर में कृषि कानून को रद्द कर दिया गया है, मगर अपने बयानों से विवादों में गिरी रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत अब भी कृषि कानून की पक्षधर हैं। इसके कारण हिमाचल से पंजाब में एंट्री के वक्त उन्हें भारी विरोध भी झेलना पड़ा और माफी मांगने को भी कहा गया, मगर विरोध झेलने के बावजूद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिर तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे न किसी ने माफी मांगने को कहा और न ही मैंने किसी से माफी मांगी है, कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखकर यह पोस्ट किया है। बता दें कि कंगना रनौत को बीते दिन शुक्रवार को कीरतपुर में किसानों का विरोध झेलना पड़ा था। भारतीय मूल के स्पिनर एजाज पटेल ने रचा इतिहास। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने भारत के खिलाफ पहली पारी में सभी 10 विकेट चटका दिए हैं और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले वह तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। एजाज ने कुल 47.5 ओवर फेंके और 119 रन खर्च किए और 10 विकेट चटकाए। से पहले जिम लेकर और भारत के ही अनिल कुंबले ने यह कारनामा करके दिखाया है। इसी के साथ भारत के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वे पहले गेंदबाज बन गए। इसी के साथ ही न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा भारत के एक पारी में विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर विदेश से आए यात्रियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।